पराठा चोरी कर लिया है वो यार में। मैं तो भूल ही गई थी, मैंने भयंकर मेकअप अभी आती, रुक जा। अब खाओ, अब शांत क्यों गए? उसने मेरा पराठा चुराया था। मिल गया उन्हें को गरम गरम आलू के पराठे। आंटी ने तो ये भी खाए भाई, छह पराठे खा गई तू। छह कैसे खा दी? छह खाए, ये चौथा पराठा है मेरा। बकवास मत करियो, मेरे को भूख लग रही है, मैं खाऊंगी। छह पराठे खा गए, हाथ ही हो गए तुम कैसे बेबी एलिफेंट ने? ऐसी आधा किलो का केक चट कर ली थी। हाँ, बर्थडे पे केक वेक लेते थे, किसी ने खाया, सबका पेट भरा हुआ। तो क्या खाएगी, सातवा पराठा है। और बढ़ा दे तुम, पराठे करके दिखाना। नहीं जी, नाश्ता खाना और डिनर शायद सब कर लिया है मैंने। शक्ल नहीं दिखा सकती फिलहाल क्योंकि हादसा कर दिया है नीतू ने मेरे साथ। और बारिश हो रही है सुबह से, क्या कल रात से हो रही है, शायद दिल्ली में भी हो रही होगी। देखो हाजिर ही देगी। तो अब हम करेंगे रील वील बनाने का काम। का ये कहाँ है लड़की, फोटोशूट वगैरह भी करेंगे। ये देखो ये कैसी छुपके बैठी है, ये देखो। हाँ जी मैडम जी, तैयार नहीं होना जी? हाँ जी। तो उठ जाओ जी। तो यार नीतू ने मेरा मेकअप कर रखा था, तो अभी भी वो कुछ कुछ हो रखा है, ठीक है। और वो रहा मौसम, कैसे दिखाऊं मैं आप लोगों को, आप दिख रहे हैं? तो ये है मौसम आज का, बारिश सुबह से कंटिन्यू है, पता नहीं रात से हो रही होगी या सुबह से। और धुंध है, ये फॉग है, ये फॉग, ये जो बार बार जाता है ना यहाँ से, ठीक है। मैं क्या करूँ, ये व्यू सुंदर है तो मेरी क्या गलती है इसमें। चलो अब हम रेडी हो गए, मैंने पहनी है साड़ी और मैंने ये स्कार्फ पहना है क्योंकि मैं अब एक ट्रेडिशनल वीडियो टाइप बनाना जा रही हूँ। और नीतू ने भी पहनी है साड़ी, नीतू ने एक्चुअली सेकेंड साड़ी पहनी है, उसने एक और साड़ी ऑलरेडी पहनी हुई थी, अब उसने पहनी है रेड साड़ी। तो आपको मिलती हूँ मैं कुछ रील्स वील्स बनाने के बाद। ये देखो नीतू बोलती है क्या तू ये बार बार ये दिखाती रहती है, ये दिखाने वाली चीज़ नहीं है तो क्या है, ये दिखाने वाली चीज़ नहीं तो क्या है। मतलब इतना फॉग है पहाड़ी में, बीच में कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो मैं क्या दिखाऊंगी, ये दिखाऊंगी मैं थोड़ी देखती हूँ दिल्ली में ऐसी चीज़ें। तो ये चीज़ मैं आपको पहले ही दिखा चुकी हूँ। और आज हम जाने वाले हैं चटनी। सो अभी हो गई है रात और खाना बन रहा है रात का। सो हम बनाने वाले हैं चटनी पुदीना की, कैसे बनाएंगे वो तो वो अभी देखते हैं। अच्छी बनाएंगी तब मैं आपको दिखाती हूँ पूरा प्रोसेस। इसमें डाल दिया है अनार दाना, डालेंगे अब मिर्ची, इसमें डालेंगे मोहब्बत है मिर्ची।
और चेरी टमाटो। छोटू सा टमाटर। चटनी के साथ, उस खिचड़ी के साथ। दुनिया खाती है ये पांच चीजों का तो मेल ही होता है, खिचड़ी, अचार, पापड़, चटनी और दही। दही आंटी, ऐसी कस्की को डाल रही थी, पिसा नहीं जाएगा ना जल्दी। ब्रीक नहीं हो गया। अच्छा ये बहुत काम का, टूट गया है। मुझे बताते मैं ले आती। हाँ इसने कुछ बताया नहीं। तो इसमें आंटी ने मिक्स कर दी है प्याज और अब डालेंगे इसमें नमक। ज्यादा हो गया थी बस। बस आंटी बस, चटनी है ये, चटनी, चटनी चटाके वाली है, चटनी चटाकेदार। बस मैं खा के देख, हरी मिर्ची चमक रही है। थोड़ी सी और खा के देखनी पड़ेगी। ले हाथ ले, बीच में से आई ना। बढ़िया, नमक सही है आंटी। अब पहले मैंने कोने में से खाई थी ना, इसलिए वो पता नहीं चला। अब मिक्स नहीं हुआ था ना। बढ़िया है एकदम, मजा। तो ये है हमारा शामी का रूटीन और हम करने जा रहे हैं डिनर। और ये लड़की ने पहले से ही निकाल दिया है, वरना हम कुकर यहीं ला कर परोसते हैं। और वो है मेरी सीट, वो है नीचे की सीट, वो है आंटी की सीट, और नीचे बैठ के हम प्यारे तरीके से खाना खाते हैं। मैंने डाल दिया अपनी, बस कर तू इतना ही दोबारा लेगी तेरे को। हमने कहा ना बहुत ज़्यादा बना दी है, इतना इतना सब दोबारा लेंगे। ज़्यादा है क्या? बहुत टेस्टी है। कोई बात नहीं मम्मी, सोचते सॉरी बट चटनी जबरदस्त बनी है। तुम इसके साथ अकेले खाना। अकेले भी खा लेते हैं। आयो हॉट, उंगली में चटनी लगी जा रही है। स्कॉन वाली खिचड़ी। Yeah.